हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे आपके पास, इससे पहले हमने आपको पढ़ा समुच्चय की परिभाषा, उसको किस प्रकार से निरूपित करते हैं। तो निरूपित करने का तरीका आपके पास दो हैं। एक तो आपके पास निरूपण के लिए आपके पास विधि है रोस्टर विधि। रोस्टर विधि के अंदर हम करते क्या हैं कि अवयवों को जो आपके पास वो समुच्चय के जो अवयव होंगे, यानी जो समुच्चय में आने वाले जो अवयव होंगे, उसको हम है ना मंझले क्वेश्चनों के मध्य कॉमा के द्वारा पृथक करते हुए लिखते हैं। दूसरा आपके पास है समुच्चय निर्माण रूप, जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि उसके अंतर्गत हम है ना जो विशेष जो उसका गुण है, उस जिसके अनुसार हम क्या कर रहे हैं अवयवों का संग्रह कर रहे हैं, उस गुण को हम लिखते हैं आपके पास। ठीक, तो समुच्चय निर्माण रूप और आपके पास दूसरा क्या बताया आपके पास रोस्टर रूप, ये उसके निरूपण की दो विधियाँ आपके पास हैं। ठीक, तो आज मैं आपको जो बताना है, आपके पास मान लो समुच्चय में कोई अवयव है तो उसको किस प्रकार से, अगर वो कि उसको उसमें उपस्थित है तो उसको सिंबली मतलब के पास सिंबल संकेत के रूप में कैसे निरूपित करेंगे। मैंने कहा मान लो लेट एनी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू सेट ए। एक समुच्चय ए का कोई अवयव है, मतलब ए क्या कर रहा है इस समुच्चय में बिलोंग का मतलब उसमें उपस्थित है, ये कैसे था आपके पास। ठीक है, तो अगर कोई आपके पास अवयव किसी उसमें आपके पास उपस्थित हो तो उस टाइम पे इसको संकेत की भाषा में कैसे निरूपित करेंगे मैं आपको बताने वाला। मान लो कि समुच्चय ए का एक अवयव है कैप स्मॉल ए, ठीक, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू। तो इसको निरूपित करने के लिए हम एक ग्रीक यानी यूनानी प्रतीक का यूज़ करते हैं, ग्रीक सिंबल यूज़ करते हैं। देन वी यूज़ अ ग्रीक, जैसे हिंदी में यूनानी का सिंबल एप्सिलॉन, उसका नाम आपके पास है एप्सिलॉन, उसे क्या कहते हैं एप्सिलॉन, मतलब ये EPSILON निरूपण इसका ये है, इसका निरूपण करते हैं। अगर कोई अवयव ए जो है वो समुच्चय ए में है तो उसको निरूपित करेंगे द, इसको कैसे निरूपित, उसको निरूपित करने के लिए हम एक सिंबल ग्रीक सिंबल का यूज करते हैं, उसे कहते हैं एप्सिलॉन। तो उसे लिखा जाएगा ए, ये इसका अर्थ होगा, इसका अर्थ होगा ए बिलोंग्स टू सेट ए। अगर कोई अवयव समुच्चय ए का तो हम लिखते हैं उसमें बिलोंग्स टू का साइन। ठीक, बट इफ एक एलिमेंट है बी, ये उसमें उपस्थित नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। मैंने कहा स्मॉल ए तो समुच्चय ए में है पर स्मॉल बी क्या समुच्चय ए में नहीं है, तो इसको ये तो एक हम वर्बली लिख रहे हैं पर मैथमेटिक्स में क्या होता है कि हम उसको निरूपित करते हैं आपके पास सिंबल के यूज का यूज करते हुए। ठीक है, तो उस टाइम पर आपके पास तो उसको प्रतीक के रूप में यूज करने के लिए हम किसका यूज करने वाले हैं इस एप्सिलॉन का। अब ये कहा कि मैंने ए बिलोंग्स टू, अगर मैं लिखता है ए बिलोंग्स टू सेट ए तो इसको हम सिंबल के रूप में इस रूप में व्यक्त करने वाले हैं, ये इसका ये सिंबल आपके पास मतलब प्रतीकात्मक रूप में इसको ऐसे निरूपित किया। ठीक, अगर मैंने कहा ए बी जो अवयव है वो ए को बिलोंग नहीं कर रहा है तो इसका भी यूज एप्सिलॉन का यूज करते हुए करेंगे किस प्रकार से, देखो हम लिखेंगे बी, ये तो होता है कि अगर वो ए में बिलोंग कर रहा है पर ये बिलोंग नहीं कर रहा है तो नॉट को हम इस प्रकार से लिख देंगे, इसका अर्थ होगा बी डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। तो ये निरूपण जो है उसको आपको याद रखना है कि अगर एप्सिलॉन लिख दिया गया है कहीं पर किसी अवयव के स्थान पर लिख दिया गया आपके पास कि वो बिलोंग्स टू, जैसे मैंने कहा आपके पास एग्जाम्पल के रूप में कह रहा हूँ एक समुच्चय मैंने लिया वी, वही आपके पास स्वरों का जो समुच्चय था वो AEIO और U, ये समुच्चय तो मुझे मालूम है ये अवयव जिसमें आ रहा है ना, तो मैं इसको लिख देता हूँ देन मैं लिखूंगा ए बिलोंग्स टू वी, ई बिलोंग्स टू वी। अब मैं कहूँ डी बिलोंग्स टू वी है, नहीं है क्योंकि डी क्या आ रहा है इस वी में उपस्थित नहीं है, तो इसलिए हम क्या करें ये निरूपण होगा डज नॉट बिलोंग्स टू, ये कह रहा है ए जो आपके पास समुच्चय वी है जो कि स्वरों का समुच्चय है उसका अवयव है यानी उस पर उपस्थित है, तो हम लिखेंगे ए बिलोंग्स टू यानी इसको बिलोंग करता है। ठीक, तो इसको आपके पास यानी ये इसका अर्थ क्या है कि जो स्मॉल ए है वो कैपिटल वी का क्या है एक अवयव है, ये भी एक अवयव पर डी उसका अवयव नहीं है, मतलब ये डज नॉट बिलोंग्स टू वी। तो आपको मैंने आपको बताया कि समुच्चय को कैसे निरूपित करते हैं और समुच्चय के अवयवों को, समुच्चय हमेशा निरूपित करने के लिए कैपिटल लेटर का यूज़ किया जाता है और उसके निरूपण की दो विधियाँ हैं रोस्टर रूप और आपके पास
हाँ, समुच्चय निर्माण रूप, ठीक। उसके अलावा अब यहाँ पर अगर कोई अव्यय किसी समुच्चय में उपस्थित है और उपस्थित नहीं है, तो उस टाइम पर उसको निरूपित करने के लिए या प्रतीकात्मक रूप में उसको दर्शाने के लिए हम किसका यूज़ करने वाले हैं, एक ग्रीक सिंबल एप्सिलॉन का यूज़ करेंगे। तो एप्सिलॉन, अगर मैंने कहा ए एप्सिलॉन ए, तो इसका अर्थ है कि ए में उपस्थित है, और मैंने कहा बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इसका अर्थ क्या है, इसको कैसे निरूपित करेंगे, यहाँ पर आपको कार्ड दिया जाएगा एप्सिलॉन का। एप्सिलॉन कार्ड मतलब इसका अर्थ हो गया कि वो उसका अव्यय नहीं है, यानी या उसमें उपस्थित नहीं है, ठीक है। आप कह सकते हैं कि वो समुच्चय एक का अव्यय नहीं है, सिंपल सबके पास है, बस आपको ये थोड़ा ध्यान देना, ठीक। अब ये समुच्चय पे आधारित आपके पास, ये जो आपके पास निरूपण था ना, इस पे आधारित आपके पास कुछ, आपके पास है ना क्वेश्चन, आपके पास XS 1.1 में सिंपल से क्वेश्चन होंगे बेसिकली आपके पास। देखो अब इस पहले प्रश्न में करना है क्या, क्योंकि कुछ समुच्चय दिए हुए हैं, किताब में काफ़ी होंगे आपके पास, तो मैंने कुछ ही लिया आपके पास जिससे आपको समुच्चय को समझने में सरलता होगी। देखो पहला क्वेश्चन आपके पास है, इसमें आपको बताऊँ करना क्या है, इस पहले क्वेश्चन में आपको देखना है कि ये समुच्चय हैं या नहीं। मैंने तो लिखे हैं आपके पास ये कि भाई संग्रह लिख दिए हैं, तो ये समुच्चय होंगे या नहीं वो हमको चेक करना है, ठीक। सबसे पहले कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, मतलब जो साल भर के जो 12 महीने होते हैं उनमें से केवल आपको उनका कलेक्शन करना है जिनकी शुरुआत किस लेटर से है, जे से। तो जे से मतलब अब आपको मालूम है, जो आपको मालूम है 12 महीने हैं उनमें से कितने ऐसे हैं जो आपके पास जिनकी शुरुआत क्या है, जे अक्षर से शुरू होती है, जैसे जनवरी जून जुलाई, यही तो है। तो ये एक क्या है, वेल डिफाइंड है, ये वेल डिफाइंड आपके पास क्या आ रहा है, कलेक्शन आ रहा है। अब क्योंकि ये वेल डिफाइंड है तो इसका अर्थ क्या होगा, इस पहले वाले ने क्या हो जाना है, ये आपके पास जो दिया हुआ ये कलेक्शन वो क्या है, सेट है। आपको ये देखना है कि कौन वेल डिफाइंड है कौन नहीं। अब इसने कहा दूसरा क्वेश्चन देखो, कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, मतलब भारत के सबसे जो प्रतिभाशाली राइटर मतलब लेखक हैं उनका आपके पास ये ना कलेक्शन है, ठीक है। कलेक्शन तो ये मैं कह सकता हूँ, पर ये बताऊँ क्या है। अब ये कहा कि आपको भाई कि 10 जो आपके पास सबसे ज़्यादा प्रतिभावान है ना राइटर्स हैं उनका कलेक्शन करना है। अब ये जो प्रतिभावान जो लेखक है ना, वो व्यक्ति के हिसाब से चेंज हो सकता है, मैंने 10 कुछ और लिखे तो किसी दूसरे ने 10 कुछ और लिखे होंगे, ठीक। जबकि पहले वाले में ऐसा नहीं है, जनवरी जून जुलाई यही 3 लेटर थे जो 3 महीने थे जो शुरुआत था। तो ये आपके पास क्या है, वेल डिफाइंड है, जबकि क्या है, वेल डिफाइंड नॉट, ये वेल डिफाइंड नहीं है, नॉट वेल डिफाइंड है। तो ये आपके पास एक, मैं कह सकता हूँ कि जनरल भाषा में कलेक्शन तो है ही, ठीक, पर ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए क्या हो गए, ये नॉट अ सेट होने वाला, ये एक सेट नहीं होने वाला है, ठीक। ये आपके पास सेट नहीं है, ये हम कह सकते हैं, ठीक। तो ये समुच्चय नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड इसलिए नहीं है क्योंकि हम व्यक्ति के हिसाब से, अगर हम प्रत्येक, हमने 10 आदमियों को कहा कि आपके पास समुच्चय बनाइए, तो आप बताओ क्या होगा, कुछ राइटर के जो नाम एक व्यक्ति ने लिखा होगा दूसरे ने नहीं लिखा होगा, तीसरे ने लिखा, मतलब समुच्चय में अलग अलग परिवर्तन होता जाएगा। मतलब आपके पास क्या है, हम कह सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन दी है क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है आपके पास, ठीक। तो ये आपके पास यानी ये समुच्चय नहीं है। दूसरा, तीसरा आपके पास है, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, जो विश्व के बेहतरीन जो 10 आपके पास क्या हों, क्रिकेटर बल्लेबाज हों, उनकी टीम बनानी है। पर ठीक है, अब टीम तो मैं बना दूंगा, मैंने अपने हिसाब से बनाया, दूसरे व्यक्ति ने तो अपने हिसाब से बनाया, तीसरे ने तो अपने हिसाब से, तो ऐसा हो सकता है कि इसमें जो आने वाले अवयव है ना वो चेंज हो सकते हैं, इसलिए ये भी क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है, नॉट वेल डिफाइंड। तो इसका अर्थ क्या है, ये भी क्या होगा, समुच्चय नहीं होने वाला है, नॉट सेट, ये सेट नहीं है, ठीक। अब देखो फिर आया था कलेक्शन ऑफ, चौथे में, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, आपकी क्लास में जितने भी आपके पास लड़के हैं उनका क्या करना है, कलेक्शन। आप 11th का अभी आपको मालूम नहीं, तो आप ये कर सकते हो कि जो 10th में जो आपकी क्लास थी तो उसमें जो लड़के थे उनका कलेक्शन करना है। तो आप देखोगे कि आप सबका क्या होगा, जो आने वाले जो अभी होंगे ना वो सब एक जैसे होंगे, तो ये क्या है, वेल डिफाइंड है। अब वेल डिफाइंड है, जब भी वेल डिफाइंड होता है सब कलेक्शन, तो क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। ऐसी बाकी आपको करने हैं, अगला आपके पास है कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, 100 से कम जो प्राकृत संख्या है उनका आपके पास समुच्चय, तो आपको क्या कहेगा, 1, 2, 3, 4 से चलते हुए 99 तक, तो ये भी क्या आ रहा है, वेल डिफाइंड है, तो ये भी सेट हो जाएगा। इस प्रकार से आप बाकी भी कर सकते हो आपके पास, ठीक। तो पहले क्वेश्चन में क्या करना है कि आपको चेक करना है कि कौन सा जो कलेक्शन है वो समुच्चय होगा कौन सा नहीं होगा, जो वेल डिफाइंड होगा मतलब जिसमें आने वाले अवयव फिक्स हो जाएंगे कि भाई इसका भी यही होना, इसका भी होना, ठीक। तो वो तो आपके पास क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, जो वेल डिफाइंड नहीं होगा क्या होगा, वो सेट नहीं होने वाला, ठीक। अब जरा दूसरा क्वेश्चन देखो, आपके पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अगर समुच्चय ए ये है,
तो आपको इन दो सिंबलों का यूज करना है, जिसका इसका अर्थ होता है बिलोंग्स टू। इसका अर्थ क्या होता है? बिलोंग्स टू। पहले वाले का अर्थ एप्सिलॉन का अर्थ क्या है? बिलोंग्स टू। अगर वो काटा हुआ तो उसका अर्थ होता है डज नॉट बिलोंग्स टू। यानी इसका अर्थ होगा ये वहां लगाना है जहां पर दिया हुआ अव्यय क्या है उस समुच्चय में उपस्थित होगा, यानी उसका अव्यय होगा। ठीक। अरे इसमें कहाँ लगाना है? जब अव्यय नहीं होगा। ठीक। तो समुच्चय ए दिया है 1 2 3 4 5 6, पहले 6 प्रकार संख्या है। तो आपको ये करना है, इन दो सिंबलों का प्रयोग करना है ब्लैंक प्लेसेस में। ठीक। तो इसने कहा ये खाली स्थान है, देखो 5 और ब्लैंक प्लेस लिख दिया और ए लिख दिया समुच्चय ए। तो आपको देखना कि क्या 5 इसका अव्यय है। जब ये इसका अव्यय है तो यानी 5 बिलोंग्स टू ए, तो इसका साइन क्या होगा? एप्सिलॉन का साइन। फिर उसके बाद मैंने कहा 8 ब्लैंक का साइन दिया हुआ है और ए, तो क्या 8 इसमें है उपस्थित है? नहीं है। नहीं है तो क्या आएगा? डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो इस प्रकार से आपके पास एक्सरसाइज में दूसरा क्वेश्चन है 0, 0 तो इसमें है ही नहीं, तो ये भी आ जाएगा डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 4, 4 तो है ना इसमें समुच्चय में, जो अव्यय इस समुच्चय में है उसके लिए तो आ जाएगा सीधे सीधे बिलोंग्स टू का साइन, और जो अव्यय इसमें नहीं है उसके लिए क्या आएगा? डज नॉट बिलोंग्स टू। तो बाकी दो हैं वो आप कर सकते हो। ठीक। तीसरा क्वेश्चन देखो एक बार। तीसरे क्वेश्चन में करना क्या है कि आपको समुच्चय जो हैं वो किस रूप में दिए हुए? रोस्टर रूप में लिखने हैं। ये जो समुच्चय हैं वो समुच्चय निर्माण रूप में हैं, और हमें करना क्या है, इन्हें किस रूप में लिखना है? रोस्टर रूप में लिखना है। यानी यहाँ पर जो विशेष परिभाषा या जो डेफिनेशन होगी ना, यानी हम कह सकते हैं जो गुण है उस समुच्चय के निर्माण के लिए जो विशेष गुण था उसको लिख दिया गया है, और हमें क्या करना है? उसके अव्यय लिखने हैं। तो देखो बस पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें कहा गया है ऐसे एक्स जो कि क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए, यानी पूर्णांक होने चाहिए। एक्स क्या है? इंटीजर है, और एक्स का मान -3 से अधिक, बराबर भी हो सकता है, इक्वल टू भी लिखना, पर 7 से छोटा है। 7 से तो छोटा, पर -3 से अधिक या उसके बराबर होने वाला है। ठीक। तो ऐसे एक्स को ऐसे पूर्णांक होना है जो -3 से तो अधिक है या उसके बराबर है पर 7 से छोटा होना है। तो क्या क्या हो सकता है? -3 हो सकता है, -2 हो सकता है, -1, 0, 1 2 3 4 5 और 6, 7 क्यों नहीं होगा? यहाँ पर इक्वल टू नहीं, अगर यहाँ पर इक्वल टू तो तब भी 7 होता। तो ये हो गया समुच्चय, ये था समुच्चय निर्माण रूप में, और ये क्या हो गया? रोस्टर रूप में। ठीक है। इसी प्रकार से अब दूसरा देखो, इसमें समुच्चय बी दिया हुआ है, सभी एक्स का समुच्चय, ये भी आपके पास किस रूप में है? समुच्चय निर्माण, सभी एक्स का समुच्चय जहाँ एक्स क्या है? एक प्राकृत संख्या है, ध्यान दो प्राकृत संख्या, पर लेस देन 6, 6 से छोटी प्राकृत संख्या। तो बताओ बी में क्या क्या आएगा? तो प्राकृत संख्याएं शुरू होती है 1 2 3 4 5, इस प्रकार से। तो 6 से छोटी होने और प्राकृत होने हो जाएगा 1 2 3 4 और 5। तो ये पहले आपके पास वो प्राकृत संख्याएं हैं जो 6 से छोटी है आपके पास होने वाले। ठीक। तो प्रश्न इस प्रकार से ही आएंगे कि रोस्टर रूप में होगा तो समुच्चय निर्माण रूप में, और ये यहाँ पर समुच्चय निर्माण रूप है तो किसमें लिख रहे हम? रोस्टर रूप में आपके पास। ठीक। इसका तीसरा भाग देखो हुआ इसी तीसरे वाले का, कि आपको करना क्या है कि सभी एक्स का समुच्चय लेना है जहां आपके पास एक्स को क्या होना है? दो डिजिट नंबर, मतलब दो अंकों की संख्या हो जाए, दो अंकों की संख्या पर इस प्रकार से होना चाहिए कि उनके दोनों अंकों का योग क्या हो जाए? 8। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके ऐसे अंक चुनते जाएंगे, ऐसे दो अंकीय संख्या चुनते जाएंगे जिनके जो आपके पास दो अंक है ना उनका योग कितना हो जाए? 8। सबसे पहले देखो शुरुआत करते हैं, पहले हमको मालूम है कि दो अंक जो अंक दो अंकों वाली जो संख्या 10 से शुरू होती है, तो हमको इस प्रकार से ध्यान देना है कि दो अंकों भी होनी चाहिए, अंकों की भी होनी चाहिए, और दोनों अंकों का योग कितना होना चाहिए? 8। तो मैंने लिखा 1 7, ये दो अंकों की पहली संख्या है जिसके दोनों अंकों का योग कितना हो रहा है? 8। फिर मैंने लिखा 2 6, फिर 3 5, फिर 4 4, देखो हो रहा है 1 7 है ना, तो 17 है, तो 1 प्लस 7 कितना हो गया? 8। 2 6 मतलब 26 है, तो 2 प्लस 6 कितना हो गया? ये दो अंकीय भी हैं, और इसी प्रकार से आगे आप समझदार हो कैसे कर सकते हो, 5 3, फिर और इसके बाद 6 2 7 1, और साथ में 8 0 भी होगा। भाई दो अंक तो इसमें भी हो रहे हैं, अगर मैं 0 8 लेता ना तो 0 8 को पढ़ा जाता है 8, पर 8 तो एक अंक वाली संख्या होगी ना, इसलिए मैंने 8 0 तो हो जाएगा, ये 80 है, ये दो अंकों की है, पर अगर मैं 0 8 लेता यहाँ आगे से तो 0 8 को हम पढ़ते हैं केवल 8, वो एक अंक वाली मानी जाती है, ये क्या है? दो अंकों वाली। तो ये आपके पास क्या हो गए? ये दो अंकों की ऐसी संख्या है जिनके दो अंकों का योग कितना हो रहा है? दोनों अंकों का योग क्या हो रहा है? 8 हो जा रहा है। देखो आप करके देख लो किसी भी क्वेश्चन, तेज प्रकार से है। इसका आपके पास 6वां पार्ट जो बता रहा हूँ वो देखो क्या है, एफ। अब करना क्या है, जो ये जो
शब्द है बेटर, इसके अक्षरों का क्या बनाना है? समुच्चय बनाना है, अक्षरों का बनाना है। थोड़ा ध्यान देना, अक्षर क्या है? बी ई टी टी ई आर। तो ध्यान देना, आपके पास मैंने लिख दिया पहले, पहला अक्षर बी, ठीक, फिर ई, फिर टी। अब ये नहीं देखना है कि हमने समुच्चय के दौरान ये भी पढ़ा है कि जो समुच्चय के अंतर्गत जो आने वाले अवयव है वो क्या होने चाहिए? अलग अलग भी होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो इसलिए मैं इसमें टी आ रहा है ना, फिर टी नहीं लिखूंगा, मैं टी दोबारा नहीं लिखूंगा, कभी भी अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो टी एक बार लिख जाओ, फिर ई भी नहीं लिखूंगा, फिर सीधे क्या लिखूंगा? आर। तो ये समुच्चय आपके पास हो गया, इस शब्द बेटर जो है इसके अक्षरों का समुच्चय। अब ध्यान देना है कि कभी भी किसी भी समुच्चय में अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं की जाती है। तो इसलिए मैंने ई दो बार है, टी दो बार, ऐसा नहीं कि ई भी दो बार लिखा, टी भी दो बार, नहीं, पुनरावृत्ति नहीं करनी है। ये अक्षरों का आपके पास समुच्चय, ठीक। फिर चौथा क्वेश्चन जो है ठीक उल्टा करना है, उल्टा मतलब समझ में आ रहा है, देखो कि आपके पास जो समुच्चय दिए हुए, मैंने मान लिया समुच्चय ए, इसको ये रोस्टर रूप में दिए, इसको समुच्चय निर्माण रूप में करना है, ठीक। तो कैसे करेंगे? देखो अपन सिंपल सा, आपके पास है, आपके पास समुच्चय में है 3, 6, 9 और 12। तो मुझे मालूम है तीन जो जो इसके अवयव को इनके मध्य गुण देखना, आपके पास 3 × 1 3, 3 × 2 6, और 3 × 3 9, और 3 × 4 = 12। ये गुण है इनके बीच कि 3 को 1 से गुणा करो, 3 3 से 2 गुणा, यानी 3 का गुणा जहाँ पर कहाँ था? केवल 12 था। ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर मैंने लिख दिया a = सभी x का समुच्चय जहाँ x बराबर क्या है? 3n। थोड़ा ध्यान देना, 3n लिखा मैंने, ठीक। और इसमें n पारिभाषित करना जरूरी है, n का मान 1 से लेके 4 तक, 1 से लेके 4 तक, ठीक। और वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये एन क्या है? अब मैं एन की जगह अगर परिमेय संख्या ले जाऊँ तब थोड़ी आता आपके पास, इसलिए मैंने इसको एन को पारिभाषित करना है। एन क्या है? अप्राकृत संख्या है, जो कि क्या है? यानी पहली 4 प्राकृत संख्या है। तो ये आपके पास हो गया x = 3n। ऐसी संख्याओं का समुच्चय है जहाँ संख्याएं क्या होनी चाहिए? 3 × n के रूप में, या मैं ले सकता 3 के पहले 3 पहले 4 गुणज, ये भी लिख सकते हैं आपके पास, कि आपके पास क्या हो जाए कि पहले 4 गुणज किसके? 3 के आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि आपके पास समुच्चय जो b है वो 3 के गुणज संख्याएं हैं उसके, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ आपके पास कि, या फिर आपके पास x इज मल्टीपल ऑफ 3 up to 12, 12 तक आपके पास क्या है जो गुणज होता है ना, गुणज तो बहुत आगे तक भी जा सकते हैं। तो इस हिसाब से आपके पास ऐसे लिखा जा सकता है आपके पास कि पहले तीन, पहले जो तीन, जो तीन आपके पास है उसके क्या है? गुणज है, पहले 4 गुणज, यानी 12 तक। तो 3 एकम 3, 3 दूने 6, 3 दिया 9 और 3 चौक 12। इसी प्रकार से जो बी समुच्चय दिया हुआ है, बी को भी मुझे लिखना है। तो इसमें भी अगर मैं बी में जो आने वाले अवयव के गुणज वो देखूँ, तो 5 की पावर 1 = 1, 5 की पावर 2 यानी 25, 5 की पावर 3 यानी 125, और 5 की पावर 4 यानी 625, ये गुण है। तो इसमें लिखूंगा b = अब ये x है तो जरूरी नहीं आप x ही लिखो हर बार, कुछ और भी लिखो। तो मैंने लिख दिया सभी y का समुच्चय, चार ही तो है, सभी y का समुच्चय जहां y बराबर 5 की पावर n। अब यहां पर भी n के लिए हो गया, 5 की पावर n है और n बिलोंग्स टू कैपिटल, यानी प्राकृत संख्या होना है एन को, और पर एन का मान तो एन जो प्राकृत संख्या ना तो बहुत ज़्यादा जाते हैं, पर मुझे केवल 625 मतलब जब 4 है वहाँ तक चाहिए ना, तो यानी एन पारिभाषित होना चाहिए कहाँ से? 1 से लेके 4 तक। तो ये समुच्चय बी आपके पास हो गया, ठीक। ध्यान क्या देना है कि जो वाई है वो इस प्रकार से होना कि 5 की पावर के रूप में आने हैं, 5 की पावर n, और n को क्या होना है? प्राकृत संख्या होना है। अभी n की पावर 1/2 भी हो सकता है, 1/3, पर मैंने n को पारिभाषित इस प्रकार से किया है कि n प्राकृत संख्या है, और वो भी कैसी? 1 से लेके 4 तक है। तो क्या क्या हो सकती है? 1, 2, 3 और 4। तो इस प्रकार से आपके पास ये था आपके पास समुच्चय का इंट्रोडक्शन, ठीक। समुच्चय का निरूपण किस प्रकार से किया जाता है? उसके अवयव को दर्शाना है कि वो किसी समुच्चय में है तो कैसे निरूपित करेंगे, और इस पर आधारित एक्सरसाइज आपके पास जो है यह है 1.1। तो आपको ये एक्सरसाइज करनी है।
तो इसको आपको समझ के ये एक्सरसाइज करना है। इससे समुच्चय का जो मूलभूत जो आपके पास है ना, हम जो उसका फंडामेंटल टॉपिक है ना वो पढ़ा भी। इसके बाद आगे मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ रिलेशन, सॉरी टाइप ऑफ सेट्स। ठीक, तो इसको एक बार ढंग से वीडियो को देखना और इसको नोट्स बनाते हुए आपके पास इस एक्सरसाइज को करना है आपको। ठीक, ओके।